दोस्तो, खूबसूरती हर किसी नूं कायल कर अपना दीवाना बना लैंदी है। कुदरती खूबसूरती होवे जां फिर किसी दे हुसन दी खूबसूरती, बंदा इस दा कायल हो ही जांदा है। अज आपां दुनिया दे किसी भी कोने विच चले जाइए, खूबसूरती किसी ना किसी रूप विच तुहाडे सामने आ तुहानूं कायल कर दिंदी है। अज असीं तुहानूं इक अजिही जगह बारे दसण जा रहे हाँ जो कुदरती अते हुसन दी खूबसूरती दे नाल बेशुमार भरिया होया है। इस खूबसूरती दे समेल दी धरती ते औरतां कदी भी बुढ़ियां नहीं हुंदियां। जी हाँ, ज़्यादा उम्र दे होण दे बावजूद भी ये बहुत घट उम्र दियां लगदियां हन। यह जगह किते होर नहीं, किते स्वर्ग विच नहीं, सगो तुहाडे गवांडी देश पाकिस्तान विच ही स्थित है। इस नूं धरती दा स्वर्ग भी कहा जा सकता है। 80 सालां दी बुजुर्ग महिला 40 सालां दी महिला वर्गी आम दिखाई दिंदी है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच है। रूप रंग अते सुंदरता इस तरह दी कि तुसी देख हैरान हो जावोगे। दोस्तों, उत्तरी पाकिस्तान दी काराकुमा पहाड़ियां दी गोद विच वसिया है हुंजा घाटी। हुंजा घाटी विच हुंजा नामक कबीले दे लोग रहिंदे हन। इन्हां लोकां दी औसत उम्र 120 साल दी हुंदी है। इस गल दा अंदाजा तुसीं आप लगा सकते हो कि 80 सालां दी बुजुर्ग महिला एक बुढ़ी औरत दी दुकाना दिखाई नहीं दिंदी अते 90 सालां दा आदमी पिता बन सकता है। जेकर इन्हां दे पिछोकड़ दी गल करिए तां कहा जांदा है कि ये राजा सिकंदर दी सेना दे वंशज हन। सिकंदर राजा जो कि भारत विच 4वीं सदी विच आया सी। इस कबीले दे लोग होरना कबीलों के लोगों नालों बिल्कुल बखरे होंदे हन। इस कबीले दे लोग दूजे कबीले दे लोगों नालों ज़्यादा पढ़े लिखे अते समझदार होंदे हन। इस घाटी दे विच हुंजा लोगों की गिणती 87,000 के करीब है अते ये सारे लोग मुस्लिम धर्म के अनुयायी हन। गल करांगे कि ये लोग इन्नी घट उम्र के किस तरह दिखाई देंदे हन। दोस्तों, इस पिछे कोई वड्डा राज जां जादू चमत्कार नहीं है। इस पिछे सिर्फ ते सिर्फ कुदरत दा ही हाथ है अते हुंजा लोकां दी रोज़मर्रा जी जीवन शैली जो कुदरत दे हिसाब दे नाल ही चलदी है। इन्हां दी जीवन शैली ही इन्हां नूं मानसिक अते शारीरिक तौर ते मजबूत बनाउंदी है। सवेरे 5 बजे तो अपने दिन की शुरुआत करने वाले ये हुंजा लोग स्कूटर गड्डियां दा बहुत घट इस्तेमाल करते हैं अते पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक दिन विच 5 तो 6 मील का सफ़र ये पैदल चल के तय करते हैं। अगर आप इन्हां दे खाण पीण की गल करिए तां खाना पीना भी बहुत ये निजम नाल करते हैं। एक दिन विच सिर्फ 2 बार भोजन ही करते हैं। इत्थे अखरोट, खुरमानी, अंजीर, सेब, चैरी वर्गे फल आम घरां विच दिखाई दिंदे हन अते ये इन्हां लोकां दे रोज़ दे खाने का अंग हन। पानी नदियां अते झरनियां दा कुदरती प्योर साफ हुंदा है। जड़ियां बूटियां दी समझ होण करके डॉक्टर दी भी लोड़ नहीं पैंदी। बुखार होवे जां फिर माड़ी मोटी बीमारी घरेलू इलाज दे नाल ही ठीक कर लैंदे हन। ये जीवन शैली है हुंजा लोकां दी। इसे करके ये लोग बुढ़े नहीं हुंदे क्योंकि ये कुदरत दे नाल जुड़े हुए हन। 65 सालां दी औरत गर्भ धारण कर सकती है। ये भी कुदरत दे ही रंग हन। कुदरत दे रंग दे कारण ही ये लोग 120 सालां तक अपनी उम्र भोग सकते हैं। इस इलाके विच ठंड भी बहुत पैंदी है। ये लोग 0 डिग्री तो भी घट तापमान वाले पानी दे नाल नहाउंदे हन। ये लोग बहुत घट खांदे हन अते पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अज कल जिथे सारी दुनिया दिल दे रोगां, ब्लड प्रैशर, शुगर वर्गी बीमारियां दे नाल लड़ रही है, उत्थे हुंजा घाटी विच इन्हां बीमारियां दा नामो निशान तक नहीं है। सो दोस्तो, जेकर साडी भी जीवन शैली इसे तरह की होवे तां आपां भी कदे बुढ़े ना होइए। इस गल नूं तुसीं भी चंगी तरह मानदे हो। शहरी जिंदगी ने भले ही इंसान दी सुविधावां दे दरवाजे खोल दित्ते होण, पर बदले विच आपां इक भारी कीमत चुका रहे हाँ। कुदरत दे करीब रहने वाले लोग अज भी स्वस्थ अते खुशहाल हन। आधुनिकता अते मॉडर्नाइजेशन दे जमाने दी दौड़ विच आपां दौड़दे तां जा रहे हाँ, पर बीमारियां दी गंढ जो साडे सिर दे उत्ते रखी हुई है वो दिनों दिन भारी हो रही है,
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ।